What's good? जलपुरा पुरैनी में हो रहा अवैध खनन। खनन माफिया कर रहे धड़ल्ले से मिट्टी का अवैध खनन। वीडियो बनाने पर माफिया एसडीएम भोगनीपुर का नाम लेकर दे रहे धमकी। पत्रकार और माफिया के बीच बातचीत का वीडियो हुआ वायरल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आ रही है कानपुर देहात से, जहां पर दिन दहाड़े खनन माफिया कर रहे धड़ल्ले से जमीन का सीना चीर कर मिट्टी निकालने का काम। जी हां, पूरा मामला भोगनीपुर तहसील के जलपुरा गांव का है, जहां पर जलपुरा और पुरैनी के बीच में जेसीबी और आधा दर्जन डंपर समेत खनन माफिया मिट्टी का अवैध खनन कर रहे हैं। साथ ही जब इस खनन को पत्रकार ने अपने कैमरे में कैद करना चाहा, तो जेसीबी ड्राइवर ने कहा पता है किसकी मशीन चल रही है, वीडियो बनाने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि मशीन खुद एसडीएम भोगनीपुर चलवा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है, जब कोई आम आदमी अगर अपने ही खेत से दो ट्रैक्टर मिट्टी भी उठाता है तो एसडीएम साहिबा उस पर कार्रवाई करती हैं, लेकिन यहाँ तो खुद एसडीएम भोगनीपुर का नाम लेकर खनन माफिया मिट्टी खोदते नजर आ रहे हैं। आखिर ये कैसा योगी राज है, जहाँ पर अपराधी खुलेआम कहीं नेता का नाम लेकर कहीं प्रशासनिक अधिकारी का नाम लेकर लोगों को धमकाते रहते हैं और आरोपियों पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है। इस पूरे प्रकरण पर जब पत्रकार ने बात करनी चाहिए तो देखो क्या हुआ। हेलो जी। हेलो हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार, रफ्तार न्यूज चैनल से बोल रहे हैं मैम? हाँ बताइए, जो काम वो बताइए ना। अच्छा, ये जलपुरा और पुरैनी के बीच में एक जेसीबी से और डंपर से खनन हो रहा था। जलपुरा पुरैनी के बीच में? हाँ, तो वहाँ पे अभी हम निकल रहे, तो वहाँ से हम गए तो मैंने पूछा किसका है, तो बोले भेज रहा है किसी को। हाँ, वो बोले मैडम जी चलवा रही हैं, उन्होंने सीधे सीधे नाम दिया। दिमाग दिमाग आपको अपनी जबान पे भी कंट्रोल रखना चाहिए और उनको मैं दिखवा लेती हूँ कौन मैडम चलवा रही है। ठीक 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 है ना। ठीक 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 है।